पूर्णात् पूर्णमदिच्छति पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माति अच्छा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ गणेशियं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कल्कियोतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम पल्वन स्वानम लम्लकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम असुमारुहा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छ दीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए मुस्तफा की तारीफ करता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता गए। और वो पंडित कहता गए लोगो सारा जग छोटे तो छोटे हो, सारा जग छोटे तो छोटे हो, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे हो, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना उससे नाता जोड़ो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आ याग जग में, बन के मनुष्य आ याग जग में, क्यों तू गया ये भोल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित सोमनाथ वर्मा ने हसन भाई आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वाले तुम कैसे हो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, जिस मूरत में जान का प्यार, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक ए आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। आपका
कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोलिए। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान, और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे तू जान नहीं है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब नहीं करूंगा ज्यादा हसन भाई, वरना सुबह आप ही को पकड़ेंगे। हाँ, रात में क्या बुलाया था आपने? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम अपने बंगाल में यह मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया शोएब भाई, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ए तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित को भी इतना याद ना हो। मैंने कहा मैं तो गौस का दीवाना हूँ, ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, हुजूर ताजुश्शरिया पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार के गुंबद खदरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हो, अगर तेरे पाक जाओगे तो आना। हाँ, बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, आप लोग भूल गए क्या? आप लोग भूले नहीं है ना? याद करके जाएं, यहाँ से उठें, जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना हसन भाई आजकल देखिएगा, आजकल इन नौजवानों से इतना मैं परेशान हो गया हूँ, आजकल ये अजीब अजीब कट कटवाते हैं। एक कट आजकल चला है देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी बीच में सिर्फ रखता है, जानते कैसा रखता है? ये देखिए ऐसा। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा रखता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगो याद रखना, क्या आपने किसी पैगंबर के बारे में सुना है या किसी आलिम से सुना है, तकरीर में सुना हो किसी पैगंबर ने इस तरह की कटिंग रखा हो, क्या किसी आपने किसी बुजुर्ग के बारे में सुना है किसी बुजुर्ग ने इस तरह की कटिंग रखा है, क्या आपने आला हजरत के बारे में सुना है, क्या आपने गौसे आजम के बारे में सुना है? याद रखना लोगो, आप अगर मुसलमान हो, आप अगर ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस में दिल से हिस्सा लेने वाले हो, यहाँ जितने लोग बैठे हो याद रखना, आप अगर सच्चे गौस के दीवाने हो, आपके चेहरे की कटिंग बताए ये गौस का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना है, आपका चेहरा बताए ये मुस्तफा का दीवाना है। याद रखना लोगों, सच्चा गौस का दीवाना वो होता है जो नमाज भी पढ़ता है और लिबास भी इस्लामी पहनता है, चेहरे की कटिंग भी बताए ये दुनियादार नहीं है बल्कि गौसे आजम का सच्चा वफादार है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने शहजी और रजा। अच्छा रही तकबीर। हसन भाई ये जवान ही नहीं, ये बूढ़े भी कम नहीं है अपनी समाज के। हाँ, अब देखो 70 साल 80 साल उम्र हो गई, अब वो जाएंगे सैलून, सैलून समझते हैं ना, सैलून जाएंगे और वहां पे कहेंगे 70 साल 80 साल उम्र है, अब उन्हें कहेंगे कि छीलो। अब वो जैसे ही निकालेगा अस्तूरा, क्या बोलते हैं अस्तूरा, अस्तूरा उस्तूरा, अच्छा बंगाली मैं हूँ टेढ़ा जबान करके आप बोल रहे हैं, हैं? वैसे बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में वो जबान टेढ़ी करके बोलते हैं। हाँ हाँ, चले अल्लाह सलामत रखे। उस्तूरा, पहली बार आके मैं यहाँ सुन रहा हूँ, इधर भी जबान टेढ़ी हो रही है। हाँ चलो, अब वो जब जाएंगे छीलने लगाएगा, जैसे कहेगा दादा कट जाएगा, क्योंकि 70 साल में ये रुखसार तो अंदर है। अब जब कट जाएगा तो उसमें ये कहेगा, अब उसमें हवा भरेगा, हाँ
उसके बाद कहेगा छीलो। मैं कहना चाहूंगा याद रखना लोगों, अगर आप नबी के सच्चे दीवाने। अच्छा सर भैया ये बूढ़े ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ, हमारे इलाके में ये माँ बहने देखो, ये जब बच्चियां इनकी नहीं सोती है, बच्चे नहीं सोते हैं, तो ये नाते नबी गुनगुनाती नहीं है, ये एक लोरी गाती है हमारे इलाके में। वो लोरी गाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में भुटूस। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में ये लोरी चलती है, आपके यहाँ है क्या? नहीं है ना। हाँ, लेकिन इसमें भी नहीं 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 इसमें भी अच्छा सुनाऊंगा, इसमें भी जानते हैं इन नौजवानों का कसूर है। ये नौजवान जानते हैं ये नौजवानों का कसूर क्यों है? ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे लखनऊ, और जब एक साल काम काज करके वापस आएंगे, पैसे जमा कर करके जमा कर करके जमा कर करके 10,000 जमा करेंगे, जैसे ही आपके यहाँ शहर बरेली में उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, और दुकान में जाने के बाद 10 इंची 20 इंची 30 इंची लेंगे, घर लाएंगे, घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। वो लगा देगा, अब वो उसकी बीवी है जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, जो हर वक्त नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, अब वही उसकी बीवी है, वो उनकी बीवी, घर में टीवी, वो टीवी में गाने, टीवी में सीरियल, वो गाने चल रहे हैं, वो झाड़ू लगाती है गाने सुनती है, बिस्तर लगाती है वो गाने सुनती है, बर्तन मांजती है वो गाने सुनती है। याद रखना ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो तेरा बेटा गुंडे का बॉस न बने बल्कि गुलाम गौस बने, तो याद रखना तू भी एक माँ है, गौसे आजम की वालिदा भी एक माँ थी। तू कैसी माँ है, तेरा बेटा जुआड़ी बन गया, तू कैसी माँ है, माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह है, औलाद के लिए पहला स्कूल है। तू कैसी माँ है, तेरा बेटा ताश की पत्ती खेलने वाला बन गया, तू कैसी माँ है, तेरा बेटा बेनमाजी बन गया, तू कैसी माँ है, तूने तरबियत कैसी की बचपने से। याद रखना लोगों, ये तो दुनियावी माँ है, एक माँ ऐसी थी जो गौसे आजम की माँ है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की माँ को देखे, गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनकर जाइएगा, अल्लाह अल्लाह, आज हमारी माँ बहन है, टीवियां देख रही है, गाने सुन रही गए, सीरियल देख रही गए, लेकिन गौसे आजम का बचपना गए अभी ज्यादा नहीं गए। गौसे आजम कुरान करीम अपने सीने से लगाते गए, मदरसा जाते गए, मदरसे में उस्ताद जी के पास बैठ जाते गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, पीरा ने पीर रोशन जमीर ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुर्बान जाना लोगो, देवरनिया के सुन्नी मुसलमानों, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, जब उस्ताद ने कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गौसे आजम पढ़ने शुरू करते गए, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां ग्यारह पारा तेरह चौदह पारे जबानी पढ़ देते गए। सुभान अल्लाह, जब उस्ताद ने सुना, उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूँ। बेटा अब्दुल कादिर किस मदरसे में पहले पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? उस्ताद जी कहीं नहीं पढ़ा, किस मदरसे में पढ़ा? कहा पहली दफा मदरसा आने का शर्फ मिला। ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ ये चौदह पारे जबानी कहाँ याद तुमने कर लिए? तू आधा हाफिज कैसे बन गया? इतना सुनना था गौसे आजम कहने लगे उस्ताद जी बात ये गए कि मैं
मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है। मेरी माँ जब झाड़ू लगा की थी कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं माँ के शिकम के अंदर था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी कुरान पढ़ती थी, दरवाजा सुबह खोलती थी कुरान की तिलावत करती थी। उस्ताद जी मैं माँ के शिकम में कुरान की तिलावत को सुनता जाता था, सुनता जाता था। मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी। जब मैं पैदा हुआ तो मैं 14 पारे का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब क़िबला कादरी, नारे तकबीर। वो गौसे आजम है, किसी ने कहा है आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और आप की माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आप की माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस नीयत से बोले कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जरा झूम कर बताओ, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब जो मैंने मंत्र पढ़ा गए उसका खुलासा अगर सुनना चाहते हैं गौर से सुनिएगा। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करें, लोगों को आवाज मेरी क्लियर जानी चाहिए, हल्का सा कम कर दीजिए। जरा सुनना लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा गए ये देखें, मेरे हाथ में किताब है और गौर से सुनिएगा। इस किताब का नाम है उपनिषद की, ये किताब है उपनिषद की श्वेताश्वर है। और इस किताब का नाम देखें, ये ऊपर में लिखा है श्वेताश्वर और इसका पेज नंबर है 231। 231 पे लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्तु। सुनिएगा, इक्को और थोड़ा सा कम करें, माइक ऑपरेटर इक्को और थोड़ा सा कम कीजिए, बस इक्को कम करना है, सब ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बज रहा है। ये देखा मेरी तरफ, इसमें कहा गया एको देवा। आज हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है सुभान अल्लाह। और इस्लाम का पहला पैगाम यही है जो इस किताब में है, कहा एको देवा। जितनी बातें बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, एक बात अगर कोई गलत साबित कर दे, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, अगर कोई इस मजमे में भी या मेरी बातें बहुत दूर तक जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं सारी बातें बोलूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा उसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी रहेगा, जलसा कमेटी का कोई फर्द नहीं रहेगा, देवरनिया का कोई नहीं रहेगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आप भी बोलने की कोशिश करें, जो कौम बोलती है वो कौम मारी नहीं जाती है, जो कौम चुप रहती है उसको दबा दिया जाता है, सफाई हस्ती से उसका नाम मिटा दिया जाता है। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, कहा एको देवा। कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया का चलाने वाला एक है, और सर्वभूते सगुणा सभी उसके आश्र है, सबको वही रोजी देता है, सभी को वही पालता है, वही लोगों को जिंदगी देता है, वही लोगों को मौत देता है। हमारा अकीदा क्या है, कुरान से मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह, किसी
की जबान खामोश न रहे, शहादत की उंगली नीचे न रहे, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये स्टेज के उलमा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुनिएगा पूरा मजमा बताओ, अल्लाह मैं साबित करूंगा दूसरों की किताबों से अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है, ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, चरखा। आवाज दूर तक जानी चाहिए, लगे कि एक मुसलमान बोल रहा है। आप सुने मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है, यह चरखा है। आपको बोलने में डर लग रहा है, अगर मैं माइक का इसकी मिसाल दूं, यह माइक कहेगा कि अल्लाह एक है। अगर मैं खूंटे से पूछूं बताओ अल्लाह एक है या तो, यह खूंटा कहेगा अल्लाह एक है। मैं जमीन से पूछूं, जमीन गवाही देगी अल्लाह एक है। चांद से पूछो, चांद गवाही देगा अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे, ये देखा एक चरखा है, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। सवाल किया, प्रश्न किया वजूदे बारी ताला पे, अल्लाह है या नहीं है। जब इतना बूढ़ी औरत सुनती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुराकर कहती है बेटा सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर, थोड़ी सी ऐसी होती है अगर इधर उधर दिमाग हटाएंगे तो फिर बात समझ में ना आएगी। वो बूढ़ी औरत से नौजवान ने प्रश्न किया ओ बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह है या नहीं। बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती है ओ मेरा बेटा सुनो ये चरखा गए, चरखे को देखती है और कहती है अल्लाह है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ क्या तुम दलील से बात करती हो या बगैर दलील के बात करती हो। इतना सुनना था, वो बूढ़ी औरत फिर चरखे को देखती है, नौजवान को देखकर मुस्कुराती है। नौजवान कहने लगा हाँ बेटा मेरे पास दलील है। कहा बेटा, कहा कि क्या दलील है बूढ़ी माँ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मेरे पास दलील इस बात की के अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। बोलो सुभान अल्लाह, कहा यही चरखा है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है इस बात पे कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा तुमने नहीं समझा। कहा के नहीं समझा, कहा के कहने का मतलब ये है साफ साफ सुनो, ये छोटा सा चरखा मेरा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा कहने का मतलब क्या है। कहा मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता गे, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा और मालिक के कैसे चल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मेरा चरखा बताता है कि अल्लाह है। जरा सुनिएगा, आज मैं आपके सामने और एक बात बयान कर दूं। एक मुस्लिम का गांव है, मुस्लिम की बस्ती है जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं। गौर से सुनिएगा, कुछ तहरिया किस्म के लोग आ गए। तहरिया कहते किसे है, पूछिए हसन भाई से, पूछिए मौलाना हारून रशीद साहब से, पूछिए कारी साहब से, पूछिए अल्लामा साहब से, आप जिनसे पूछेंगे इमाम साहब से पूछिए, ये कहेंगे तहरिया उसे कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। लोगों खुश नसीब हो, अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया, अपने आका का गुलाम भी बनाया है। और याद रखना जो मुस्तफा का गुलाम होगा जान दे देगा, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता है। आज चारों तरफ लोग पुकार रहे गए, कहते गए फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या होगा, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। याद रखना यहाँ पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत फिलिस्तीन की माओं को नहीं है। फिलिस्तीन की माएं और बहनें तो वो जज्बा अंदर रखती है, फिलिस्तीन की
माओ की हिम्मत को सलाम, वहां की माओ की हिम्मत और ताकत को सलाम, उन माओ के जज्बे को सलाम, वहां की माओ को फिलिस्तीन के पहलों के मर्तबे और इज्जत आबरू को सलाम, वहां की फिलिस्तीन की पहलों के जज्बे और वकार को सलाम, हिम्मत को सलाम के ए फिलिस्तीन की माओ तुम काबिले मुबारकबाद हो। हमारे यहाँ की माए बेटा पैदा करती है खानदान के लिए, लेकिन फिलिस्तीन की माओ ने बेटा पैदा किया है इस्लाम के लिए, खानदान के लिए नहीं, इस्लाम के लिए बेटा पैदा किया है। जरा गौर से सुनिएगा, अगर फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना है वहां बाद में खड़े रहो उनके सपोर्ट में, फेसबुक और व्हाट्सएप में बाद में सपोर्ट में खड़े रहो, मस्जिद में जाकर खड़े हो जाओ, वहां जाकर दुआएं मांगो। तेरे पास बम बारूद नहीं है, तू जाकर वहां कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तेरे पास अगर कोई हथियार है तो वो दुआ के तौर पर तुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा हथियार अता फरमाया है। मस्जिद में जाकर रो, मस्जिद में सजदा करो, अगर सजदे में एक आंसू आपने बहा दिया, याद रखिएगा दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठोगे परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। और सुनिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कहा था एक गांव में दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए, यानी आग की पूजा करने वाले, और वो दहरिया जमाने के साथ कहने लगे, सुनो सुनो मुसलमानों, हमारे तीन प्रश्न हैं, गौर से सुनिएगा। कहा तीन प्रश्न हैं, अगर तीनों प्रश्न के सही सही उत्तर दे दोगे तो फिर हम लोग तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दे पाओगे तो फिर तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा धर्म कबूल करना होगा। मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, खड़े हो गए। मुसलमानों ने कहा, दहरिया पूछो, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। एक दहरिया खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ मुसलमानों ये बताओ, तुम मुसलमान हो, अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हो, ये बताओ अल्लाह है। पहला प्रश्न सुनो। कहा अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह इस टाइम क्या कर रहा है। मुसलमान परेशान हो गए, सब खामोश हो गए, सारे मुसलमान हक्का बक्का हो गए कि कभी तो खुदा को देखा नहीं गए। मौलाना साहब से सुना, इमाम साहब से सुना, हाफिज साहब से सुना, कारी साहब से सुना, तब जाकर अल्लाह को एक माना है, अल्लाह की इबादत करते गए। ये तो बड़ा हार्ड प्रश्न है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अब मुसलमान परेशान थे, फिर दूसरा सवाल कर दिया दहरिया, कहने लगा सुनो मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। अब मुसलमान और परेशान हो गए, ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा के पसीने छोड़ा रहे गए। कहा क्या हुआ, कहा के कुछ दहरिया लोग आए और वो तीन प्रश्न किया है, कहा है अगर सही सही उत्तर दे दोगे हम लोग तुम्हारा इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दे पाए तो फिर तुम लोगों को अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। कहा के बताओ ना क्या प्रश्न है, कहा आगे जाकर खुद पता कर लो। अब बच्चों की आदत होती है कि जब भीड़ कहीं लगी रहे, आगे से जगह ना मिले, लोगों के पांव के दरमियान से घुस घुस कर आगे चला जाए। वो बच्चा आगे चला गया, देखा वहां जुब्बा और पगड़ी पगड़ा लगाकर दो तीन दहरिया खड़े गए, कहने लगा ओ दहरिया बोलो तेरा सवाल क्या है। अब जरा सुनना देवरनिया वालो, अब यहाँ गौर से सुनिएगा, कहने लगा बोलो दहरिया तेरा सवाल क्या है, तेरा सवाल क्या है, प्रश्न क्या है। कहा कि तू जवाब देगा, कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा, कहा मैं दूंगा। कहा तू देगा, कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा तेरे बड़े थक गए, तू कहां से जवाब देगा। कहा कि सुनो मैं देखने में बच्चा हूं, अरे हम क्या गए, अगर दूध पीता बच्चा से भी तू प्रश्न करेगा वो भी मचल के जवाब देगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इतना सुनना था दहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा कुर्सी से उतर, कुर्सी से उतर। दहरिया देखने लगा, बच्चे ने कहा कुर्सी से उतर। क्या हुआ, क्या उतर,
का तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो प्रश्न करने वाला होता है वो नीचे बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है, जो उत्तर देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठता है। दाहिया नीचे आ गया, नीचे आकर बैठ गया, गुस्से से लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया, बच्चा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। दहरिया कहने लगा पूछो, कहा कि अब पूछो सवाल। अब कुर्सी पर बच्चा बैठा है, दहरिया कहने लगा ओ बच्चा ये बताओ अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा मुस्कुराने लगा, दहरिया कहने लगा ए बच्चा मुस्कुराओ मत, हमारे सवाल का जवाब दो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कहा सुन अब तक तुझे समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। कहा के सुनो अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, अल्लाह तुझे रुसवा कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पर बिठा रहा है। तुमने नहीं पढ़ा कुरान कहता है वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। हमें इज्जत दिया कुर्सी अता किया, तुझे जलील और रुसवा किया है, कुर्सी से जमीन पर बैठा दिया। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम नारे तकबीर। अब जरा सुनना लोगों। अब दहरिया कहने लगा मेरा दूसरा सवाल ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दूसरा सवाल दहरिया करने लगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, आगे देखता है या पीछे देखता है, दाएं देखता है या बाएं देखता है। अब जरा सुनना बच्चे ने हसन भाई एक चीज निकाली, ये क्या है ऊंचा बोलो, यहां से लेकर वहां तक क्या गए। मोमबत्ती निकाला बच्चे ने, मोमबत्ती निकाल कर जमीन पे गाड़ दिया। कहा ओ दहरिया इस मोमबत्ती को रोशन करो, आग से चलाओ। अब दहरिया ने इस मोमबत्ती में आग लगाई, जब ये मोमबत्ती रोशन हो गई, जब रोशनी फैली चारों तरफ, दहरिया से कहने लगा बच्चा ओ दहरिया ये बताओ इस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है, दाएं जा रही है या बाएं जा रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है। दहरिया कहने लगा ए बच्चा इस मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जा सकती है, जहां गाड़ दोगे जहां खड़ी कर दोगे चारों तरफ को रोशन कर देगी, चारों तरफ को ये मोमबत्ती की रोशनी मुनव्वर कर देगी। बच्चा कहने लगा ओ जाहिल अब तक समझ में नहीं आया। कहा के नहीं आया। कहा के कहने का मतलब ये है जब इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ जगमग 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 रोशन कर दे, जब मोमबत्ती की रोशनी का ये आलम है, ये ताकत है, ये पावर है, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह को नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर चांद और सूरज में भी है, अल्लाह का नूर सारी कायनात में गए, अल्लाह का नूर पेड़ और पहाड़ में भी है, अल्लाह का नूर पूरी दुनिया को रोशन मुनव्वर करके रखता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। अब दहरिया कहने लगा ओ बच्चा ताकत पूछो तीसरा सवाल जल्दी पूछो और से सुनिएगा अब का तीसरा सवाल करो। अब वो दहरिया खड़ा हो गया और कहने लगा ओ बच्चा मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। अब बच्चे ने कहा गिनती आती है। कहा के हाँ आती है। कहा गिनती करना शुरू कर। अब दहरिया करने लगा गिनती एक दो तीन चार पाँच छह के दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ और आगे उल्टी गिनती आती है। कहा के हाँ आती है। कहा के उल्टी गिनती शुरू कर। अब दहरिया पढ़ने लगा सौ निन्यानबे अठानबे सत्तानबे छियानबे पंचानबे चौरानबे तिरानबे बानबे इक्यानबे नब्बे आगे बढ़। कहा के अस्सी सत्तर साठ पचास चालीस तीस आगे बढ़। कहा बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह आगे बढ़। कहा बारह ग्यारह दस नौ आठ सात आगे बढ़। कहा छह पाँच चार तीन आगे बढ़। कहा दो एक एक आगे बढ़। कहा
जरिया झुंझला गया और कहने लगा, ओ बच्चा तू हमें जाहिल समझता है, तू हमें बेवकूफ समझता है। कहा क्यों नहीं, कहा के कुछ सुनो, कहा के एक से पहले कुछ नहीं होता। जब तहरिया ने इतना कहा कि एक से पहले कुछ नहीं होता, बच्चा मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहने लगा, ओ जाहिल मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, तुमने प्रश्न किया अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। सुन, जब ये गिनती में एक से पहले कुछ नहीं होता, अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ए जाहिल, जब नंबर में गिनती में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। अब चले, अब दलील नकली हो अकली हो गई, अब दलील नकली की तरफ चलते हैं। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, जिस किताब का नाम रामायण है। आज लोग कहेंगे पता नहीं आप तो सिर्फ कुरान से आपने हवाला दिया। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। ये देखें मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैं साबित करूंगा रामायण से कि अल्लाह एक है। मैं गीता से साबित करूंगा अल्लाह एक है, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। मैं साबित करूंगा उपनिषद की किताब से अल्लाह एक है, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है, अब जरा गौर से सुनिएगा। आज हसन भाई, शोएब भाई, कुछ लोग कहते हैं, मौलाना साहब कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हो। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं ऐसी तकरीर मत कीजिए। मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा उत्तर प्रदेश ही में ऐसी तकरीर की जरूरत है। और याद रखना मैं इन सब का जिम्मेदार खुद हूं। एक हवाला कोई गलत साबित करेगा मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देगा, मैंने पहले ही कह दिया है। ये देखा मेरे हाथ में रामायण। आज हसन भाई कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना लोगों को ये रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलाना को भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। ओए सुन, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है और ऐसे स्टेज से बताता है। आज चारों तरफ एक हवा चली है, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती। मैं कहना चाहूंगा ओ जाहिल तुम्हें पता नहीं है, मुसलमान तो ऐसे धर्म को फॉलो करता है, मुसलमान ऐसे मजहब को फॉलो करता है। गौर से सुनना यहाँ जितने लोग बैठे हो, मैं सबकी बात नहीं करता, मीडिया वाले उनमें से सारे मीडिया वाले नहीं, वो चंद मीडिया वाले जिनकी दुकान और जिनका पेट ही भरता है हिंदू मुस्लिम करवाने से। यानी वो दिन रात जब तक हिंदू मुस्लिम न करे उसको सिर्फ टीआरपी चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए तो शोहरत चाहिए। किसी का घर जले उस मीडिया वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारे मीडिया वालों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वालों की जो हिंदुस्तान की हवाओं में नफरतों की बीज बोते हैं, जो हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत बांटते हैं फैलाते हैं, मैं उन मीडिया वालों से कहना चाहूंगा जो दिन रात हिंदू मुस्लिम और कुछ दलाल किस्म की मीडिया ऐसी है जो हुकूमत की तलवे चाटने वाली मीडिया दिन रात चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। ओए सुन, मुसलमान तो देश से ऐसा प्यार करता है, हम ऐसे जलसों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। और से सुनिएगा, हम तो कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम तो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम तो यहाँ से अमन का पैगाम देते हैं, हम तो यहाँ से शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन कुछ तल्लू मीडिया ये चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी। फिर से मैं कह दूं, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जिनको न तो हमारी फौज हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली फौज की यानी शहादत की कुछ पड़ी रहती है, उसको बस अपना टीआरपी चाहिए। मैं ऐसी मीडिया वालों की बात करता हूँ, तुम कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान तो मह
मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो प्रेम की बात करता है, मुसलमान तो यानी कि हमेशा प्यार की बात करता है, मेल मोहब्बत की शांति की सुकून की अमन की बात करता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली और बेंगलोर की सरजमीन पर दिल्ली के सड़कों पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जुलूस गौसिया निकला, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकला, एक जगह दिखा दो जहां पे मुसलमानों ने किसी के दुकान को चलाया हो, उस जुलूस में शांति का पैगाम दिया है। क्योंकि मेरे इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ना हक किसी पे जुल्म करेगा, कयामत का दिन होगा तो मैं मजलूम की तरफ से मुकदमा खुदा की बारगाह में लड़ूंगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं मुसलमानों की तरफ से लड़ूंगा, नहीं, अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम पे ना हक जुल्म किया है, बगैर कसूर के सताया है, परेशान किया है, हुजूर फरमाते हैं मैं उस गैर मुस्लिम की तरफ से भी गैर मुस्लिम का वकील बनकर कयामत के दिन मुकदमा लड़ूंगा। याद रखना, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, ये उलमा बैठे हैं, सारा मजमा तैयार रहना। आज लोग कहते हैं काटे जाएंगे, ये वो चिल्लाएंगे, नहीं नहीं, हजरत हसन भाई के नस को काटो, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, इनको छोड़ो साजी, हमारी कौम के 10 साल के बच्चे के नस को काटो। नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो मुजद्दिद आजम बरेली के आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, वकीलो मता तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं नहीं, मुसलमान अमन का पैगाम देता है, वही भड़काऊ भाषण देगा कि जिसके अंदर शिक्षा की कमी है। वरना तो मुसलमान ये जानता है हम पैदा हुए इसी मिट्टी से, हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में हमें दफन किया जाए। मुसलमान याद रखिएगा अपने देश से प्रेम करने वाला, अगर कोई देश से गद्दारी करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान कहते उसे हैं एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब मानना, आखिरी नबी मानना, फरिश्तों को मानना, मरने के बाद फिर से उठाए जाने पर मानना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये देखें मेरे हाथ में किताब है, पूरा मजमा बताओ अल्लाह, हाथ नीचे न रहे, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा बताए अल्लाह एक है, किसी का हाथ नीचे न रहे। आपको सज्जदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मज़लूम अली असकर की शहादत के खून के कतरे कतरे का वास्ता। जितने लोग जहां पर बैठे हो, अगर मसलके आला हजरत के अगर सच्चे पैरोकार हो, पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दो। और अगर कोई कहता है हम फला को मिटा देंगे, हम फला को मिटा देंगे, नहीं मिट सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन की माए ये आवाज देती है, फिलिस्तीन की बहनों की जबान से ये आवाज निकलती है। हजरत जी, हमने देखा एक फिलिस्तीन का नौजवान मर्द है जिनकी उम्र 60 साल है, वो छुहारे बांट रहा है, वो खजूर बांट रहा है, वो ड्राई फ्रूट बांट रहा है, काजू और मुनक्के बांट रहा है। किसी ने आकर कहा, ओ तू इधर खजूर बांट रहा है, तू खुशी मना रहा है, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरी बेटी शहीद हो गई, तेरी बीवी शहीद हो गई, तेरी माँ शहीद हो गई, तेरा बाप शहीद हो गया, और तू इधर खजूरें बांट रहा है। उसने मचल कर कहा, इसलिए तो खुशी में बांट रहा हूं, अल्लाह ने मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे खानदान की शहादत को कबूल फरमा लिया है। याद रखना, वो फिलिस्तीन की माए आवाज दे रही है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, नारे तकबीर। पूरा मजमा जवाब दीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से, कुरान था, कुरान है, कुरान।
और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान माशाल्लाह। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम रामायण है। लोग कहेंगे अपनी किताबों से तो पढ़ दिया, ये देखे रामायण का पेज नंबर 71 है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। कहा के लोगों खुदा का तस्वुर क्या है, कौन किस खुदा की हम इबादत करें, यानी कि उसका तस्वुर क्या है। आज लोग तरह तरह के खुदा बनाए बैठे हैं, लेकिन याद रखना अल्लाह वो है। कौन है ये देखे का बिन पद चल सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, तिल बाड़ी बदता बड़ जोगी। ये किताब क्या पढ़ दिया, ये देखे मेरे हाथ में श्री राम चरित्र मानस है, इस किताब में रामायण का खुलासा लिखा है। मैं सारी चीजें खोल के दिखा रहा, ये देखे ये किताब है, पेज नंबर है 130, 130 पे लिखा है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है, पूरी दुनिया का खालिक वो है, उसकी इबादत करो। जो पूरी दुनिया को रोजी देता है, जो जिंदगी देता है, जो मौत देता है, कौन है बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पांव नहीं है, अल्लाह वो है जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, अल्लाह वो है जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथों से पाक, जो पांव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्म जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक, पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाई पाक है। और वो अल्लाह, ऊंची आवाज में बताओ वो अल्लाह। इसमें मौजूद है, लेकिन और हवाले मैं पेश करता हूँ, लेकिन सुनिएगा मैंने शुरू में क्या कहा, बातें ज्यादा न फैले, धीरे धीरे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा कि ए दुनिया और जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू मेरा दोस्त बन जा, कहा दुनिया में भी और आखिरत में भी। गौर से सुनना, गौसे आजम फरमाते गए। अच्छा एक बात सुने हसन भाई, आज हमारी कौम के लोग गौसे आजम बगदाद वाले का नाम ऐसे ही मुंह में गुटखा भरा है, गौसे आजम का नाम ले लिया, मुंह में पान भरा पड़ा है, या गौस के नारा लगा लिया। याद रखना लोगों, आप शहरे मोहब्बत में रहते हो, जिस बरेली को किसी के बाप ने कोई और हजरत ने नहीं पहचान दिलवाई, आला हजरत की वजह से शहरे बरेली को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उस मुजद्दिद की उम्र शरीफ सिर्फ 4 साल की है, अल्लाह अल्लाह, वो मुजद्दिद आजम आला हजरत है। एक दिन अपने बाप से पूछते गए, वालिद मोहतरम से पूछते गए, वालिद मोहतरम अब्बा हुजूर ये बताएं बगदाद शरीफ किधर है। सुभान अल्लाह बोलो, जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो, कहा बगदाद शरीफ किधर है अब्बा हुजूर। आला हजरत के वालिद मोहतरम ने फरमाया बेटा अहमद रजा सुनो, ये रहा काबा शरीफ, उसके बगल में है मदीना शरीफ, उसके जस्ट बगल में है बगदाद शरीफ। उस आला हजरत उस मुजद्दिद के बारे में आता है, आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक आला हजरत ने जब तक दुनिया में हयात जागिरी ही से रहे, तब तक आला हजरत ने अपने पांव को बगदाद शरीफ की तरफ न फैलाया। याद रखना लोगों, जब बंदा इतना बाअदब होता है वही जमाने का आला हजरत बनता है। ऐसे ही नहीं बनता है, बंदा जब बाअदब होता है वही आला हजरत बनता है। गौसे आजम ने फरमाया लोगों, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो और ये चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती करे, 5 काम करो। कितने काम, ऊंचा बोलो और झूम कर बोलो। अगर ये पैगाम ना सुना तो कुछ ना सुना। ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गौसे आजम ने फरमाया कितने काम, और ऊंची आवाज में बोलो कितने काम। 5 काम करोगे अल्लाह तेरा दोस्त बन जाएगा। सुभान अल्लाह, गौसे आजम ने अपने मलफूजात में फरमाया सुनो, का पहला काम, पहला काम,
पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करो। याद रखना लोगो, आज रात भर जलसे में बैठते हो, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हो, ईशा पढ़ के नहीं आते हो। नमाज की पाबंदी जो ना करेगा वो गौस का सच्चा दीवाना नहीं हो सकता है। उस गौसे आजम के बारे में आता है, वो गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर। एक दो चार साल लगी बल्कि 40 साल तक ईशा के लिए वजू करते थे, मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ के वापस आया करते थे। याद रखना लोगो, आप नमाज नहीं पढ़ते फिर कहते हो हम गौस के दीवाने गए, आप जुमा छोड़ देते हो गौस के दीवाने गए, फजर छोड़ देते हो गौस के दीवाने हो। याद रखना गौस का सच्चा दीवाना वो होगा जो चेहरे पे दाढ़ी भी सजाएगा, नमाजों की पाबंदी भी करेगा। असल दीवाना वो होता है गौस के नाम का मुर्गा भी खाता है, और जब आजान होती है तो नमाज अदा करने मस्जिद भी जाता है। सुभान नमाज की पाबंदी, बगैर नमाज छोड़े कोई गौस का दीवाना नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। किसी भी आलिम से पूछिए, बरेली शहर को तो कहा गया है कि इल्म का खजाना है, यहाँ के लोगों से उलमा से पूछिए नमाज को छोड़ने वाला गौस का दीवाना कभी नहीं हो सकता, नमाज का छोड़ने वाला आला हजरत का दीवाना कभी नहीं हो सकता। आप अगर पूरी जिंदगी गौसे आजम के नाम की महफिल में नहीं बैठे, अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा तू महफिल में क्यों नहीं गया। अगर एक नमाज आपने नहीं पढ़ी तो अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा तुमने फजर क्यों छोड़ी थी, तुमने जुहर क्यों छोड़ी थी, तुमने असर व मगरिब व ईशा क्यों छोड़ा था, तुमने जुमा क्यों छोड़ा था, ये अल्लाह पूछेगा। नमाज की पाबंदी करते रहो। ओ मेरी माँ और बहनो, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। आज लोग तावीज लेने तो दौड़ते रहे, बाबा जी तावीज दे दीजिए, इमाम साहब तावीज दे दीजिए, बहुत कमाते गए घर में बरकत नहीं होती, पांच बेटे कमाने वाले घर में बरकत नहीं होती। याद रखना 1000 नहीं 1 लाख तावीज लटका लो। अगर नमाजी अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, शौहर बे नमाजी होगा, बेबी बे नमाजी होगी, माँ बे नमाजी होगी, बाप बे नमाजी होगा, बेटी बे नमाजी होगी, बेटा बे नमाजी होगा, तो हजारों नहीं लाखों तावीजात लटका लो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत नहीं देगा। लेकिन नमाज की पाबंदी करती रहो। ओ माँ बहनो, तुम भी नमाज पढ़ो, अपने शौहर से भी नमाज पढ़ने को कहो। अगर दोनों नमाजी बन जाओगे, बेटा पे बेटा नमाजी होगा, बेटी भी नमाजी हो जाए, घर में सब नमाज पढ़ेंगे, कम कमाए झोपड़ी में भी रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नमाज की पाबंदी करो। अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती करने लगे तो नमाज की पाबंदी करो। ताकि दूसरी चीज जो अपनी जिंदगी में शामिल करो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो। माँ बाप अगर राजी हो गए तो बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे। लेकिन हजरत आज माहौल ऐसा हो गया, आज ये पैसे देख रहे हैं, ये हजारों ये लोग शायरों पे लुटा देते, लुटाइए खूब, मैं मना नहीं करता, देना चाहिए। नबी की नात सुनकर आप नहीं दोगे तो कौन देगा, देना चाहिए। लेकिन शर्म उस वक्त आती है, वो बेटा अगर माँ दवा के लिए 20-30 रुपए अगर रोजाना मांग लेना, बेटे मुझे दवा गैस की दवाई लेनी है, वो बेटा 3-4 दिन 5 दिन देने के बाद झुंझला जाता है और कहता है माँ क्या ये सारे पैसे तेरी दवाई पे खर्च कर दूं? और वही बेटा 5000 आकर उड़ा देता है मौलवी के ऊपर। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगो, माँ बाप अगर नाराज है ना तो फिर जलसों में आना बेकार है। याद रखना ये पैसे मोइनुद्दीन कादरी को मत दो, ये पैसे शोएब भाई को मत दो, लेकिन पहले माँ की खिदमत कर लो, क्योंकि ये मैं मुझको पैसे देना ये बाद में काम आएंगे, माँ पे खर्च करना ये पहले काम आएगा। और आजकल कुछ बेटे ऐसे भी हैं, जब तक माँ बाप जिंदा है ना हजरत, उस वक्त तक ये बेटे अपनी माँ के इलाज पे खर्च नहीं करते, बाप के कपड़ों पे खर्च नहीं करते,
बाप अगर 2 केजी एप्पल लाने को कह दे, 2 केजी अगर कोई खाने पीने की चीजें लाके कहने का लाने को कह दे, बेटे का चेहरा मुरझा जाता है, वही बेटा लाखों खर्च करते हो। और बहुत सारे बेटों को हमने देखा जिंदगी में माँ बाप की फरमाइशें पूरी न किया, माँ बाप के इंतकाल के बाद चहारम के नाम पे, तीजे के नाम पे, चहल्लुम के नाम पे वही बेटा 4,000 नहीं 4 लाख खर्च कर देता है, 5 लाख खर्च कर देता है। ओ बेटो, जब तक माँ बाप जिंदा है माँ बाप की कदर कर लो, जिनके माँ बाप नाराज है याद रखना ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वाले, अगर माँ बाप नाराज है इस महफिल में आना तेरा बेकार है, मस्जिद जाना तेरा बेकार है, हज पे जाना तेरा बेकार है, वो पैसे लुटाना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है सारी चीजें तेरी बर्बाद है, घर चले जाना, जिनके माँ बाप नाराज है घर जाकर अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, एक पैगाम लेकर जाओ और कहना लिपट कर, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, मेरी माँ तू मुझसे नाराज होकर बैठी है, तू ही तो मेरी जिंदगी को खुशियाँ है, तू मुस्कुराएगी रब मुस्कुराएगा, तू मुस्कुराएगी मुस्तफा मुस्कुराएंगे, तू मुस्कुराएगी बगदाद वाले पीराने पीर मुस्कुराएंगे। ओ माँ तू अपने बेटे से, तू अपने लाल से नाराज है, ओ माँ जो भी गलतियां हुई गए अपने बेटे को माफ कर दे। अगर आप सच्चे गौसे आजम के दीवाने हो, घर जाना माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ तेरा तो मैं लाल हूँ, मैं तो तेरा खून हूँ, तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। ओ माँ तुझसे मैं कुछ नहीं मांगता, मैं तेरी दौलत नहीं चाहता, मैं तेरी जायदाद नहीं चाहता, हमें रुपए पैसे मत दो, हमें जमीनों जायदाद आपकी नहीं चाहिए, बल्कि घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना, हाथों को उठा कर कहना, ओ मेरी माँ याद रखो अगर तू नाराज होकर चली गई तो दुनिया क्या अल्लाह भी मुझे माफ नहीं फरमाएगा, जनाबे रसूलुल्लाह हमें माफ नहीं फरमाएंगे। ओ माँ तू मुझे माफ कर दे, तू राजी होगी, बगदाद वाले गौसे आजम राजी होंगे, माँ के कदमों से लिपट कर कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो घर जाना, अपनी माँ से कहना, मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे अगर चाहिए ना दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आ चल की ठंडी हवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ के बेटो कोई खामोश न रहना, चाहिए सिर्फ बोलना है, दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़िएगा, तेरे आ चल की ठंडी हवा, तेरे आ चल की ठंडी हवा, ओ माँ तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। ओ माँ उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आ चल की ठंडी हवा। माशाल्लाह, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। कहा कि 5 चीजें अपने अंदर शामिल करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। कहा के लोगों झूठ
मत बोलो सच बोला करो अल्लाह तेरा दोस्त बन जाएगा। झूठ मत बोला करो। आए हो ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस में, यहाँ से एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ। तबर्रुक मिठाई लेकर जाते हो ना, शीरनी लेकर जाते हो, एक बहुत बड़ा तबर्रुक ये लेकर जाओ। तबर्रुक ये भी ले जाओ गौसे आजम के नाम की, तबर्रुक एक ये भी है कि झूठ कभी मत बोला करो। ये गौसे आजम के नाम की तबर्रुक है, झूठ मत बोला करो। आज तो लोग जो जितना झूठ बोलते हैं लोग उसे बहुत बड़ा दिमाग वाला समझते हैं, बहुत बड़ा अकलमंद समझते हैं। याद रखना ये झूठ बहुत बुरी बला है। इस झूठ ने कितने घर को तबाह कर दिया, इस झूठ ने कितने घर को बर्बाद कर दिया, इस झूठ ने शौहर बीवी में तलाक करवा दिया, शौहर के हाथों से बीवी का मर्डर करवाया, बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया, बेटी के हाथों से माँ का मर्डर करवाया। ओ लोगो झूठ मत बोला करो। जो हाथ का सच्चा दीवाना होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ताश की पत्ती नहीं खेलेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, बल्कि जो झूठ बोलेगा वो गौस का दीवाना हो ही नहीं सकता है। जो सच बोलता है वही गौस का दीवाना होता है। ये झूठ कितनी बुरी बला हजरत। एक झूठ जानते हैं इतनी बुरी बला है। आज शौहर भी झूठ बोल रहा, बीवी भी झूठ बोल रही, यहाँ तक हालात बिगड़ गए। किसी का फोन आ गया तो बाप बेटे से कहता है, बेटा जाके कह दो, उठाओ फोन और कह दो अब्बा जान अभी घर में नहीं है, अब्बा जान फला जगह है। मैं कहना चाहूंगा ये किसके लिए आपने झूठ बुलवाया। याद रखना लोगों, वो बच्चे को आपने आज झूठ बोलना बचपन में सिखाया है। बड़ा होगा आप ही को झूठ बोलकर इधर से उधर जाएगा, आपसे भी झूठे वादे करेगा। याद रखना अगर कोई झूठ बोलता है घर कैसे तबाह होता है। एक हकायत में पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले हजरत किताब में, एक हकायत पढ़ रहा था। एक बादशाह और उसकी बीवी रानी दोनों गए बाजार, एक गुलाम खरीदने को, गुलाम नौकर। जब गुलाम खरीदने गए ना बाजार, जब दोनों पहुंचे बादशाह और उसकी बीवी रानी, जैसे ही बाजार पहुंचे बहुत सारे गुलाम थे। एक गुलाम की कीमत 5 लाख, एक गुलाम की कीमत 3 लाख, एक गुलाम की कीमत 2 लाख। एक ऐसा गुलाम था जिसका मालिक आवाजें लगा रहा था, ओ गुलाम लेने वालों ले लो, इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितना है? ऊंचा बोलो और झूम कर बोलो। अब बीवी तो बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह शोहरे नामदार, किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 2 लाख, इसकी कीमत सिर्फ 5000 है, ले लिया जाए। अब बीवी चालाक थी, बादशाह ने कहा, कह रहे चुपो मैं देखता हूँ इसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी, कोई ना कोई नुक्स जरूर होगा। अब बादशाह पहुंचा, गुलाम के मालिक से कहा, ओ गुलाम बेचने वाला क्या गुलाम बेचेगा? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कितनी कीमत है? कहा कि 5000। कहा कि अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गुलाम हट्ठा गुट्ठा है, गुलाम तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, गुलाम देखने में अच्छा है, बड़ा फरमा बरदार मालूम होता है। किसी गुलाम की कीमत 5 लाख है, किसी गुलाम की कीमत 3 लाख, किसी गुलाम की कीमत 2 लाख, लेकिन तेरे गुलाम में क्या ऐब है, कौन सी खराबी है जो इसकी कीमत सिर्फ 5000 है? कहा बादशाह कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा फरमा बरदार है, बड़ा अच्छा काम करता है, सारे हुक्म की तकमील करेगा। कहा कि कमी क्या है? कहा कि सिर्फ एक कमी है, साल भर ये आपकी खिदमत करेगा, साल भर ये आपकी फरमा बरदारी करेगा, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें साल भर में एक दिन ये झूठ बोला करता है। अल्लाह अल्लाह। कहा कि एक दिन, बीवी कहने लगी एक ही दिन न बोलेगा, किसी तरह संभाल लेंगे, ले लीजिए 5000 ही कीमत है, बहुत सस्ता गुलाम है। बादशाह ने बीवी के कहने पे, रानी के कहने पे ले लिया, 5000 दे दिया, गुलाम खरीद कर घर ले गया। एक महीना बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमा बरदारी किया, तीसरे महीने में सारा हुक्म माना, चौथे महीने, पांचवे छठे महीने में बड़ी खिदमत किया, फरमा बरदारी किया। 6 महीने के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन साल भर में वो एक दिन झूठ बोलता था।
अल्लाह जब वो दिन आया ना तो चला गया रानी के पास वो गुलाम, कहने लगा रानी साहेबा आपको एक खबर देने आया हूं। कहा के बोलो। कहा के खबर ये लाया हूं आपका जो सौदर है बादशाह सलामत उसका चक्कर फलानी औरत से चल रहा है। अब जब इतना सुनती है बीवी गुस्से में आ गई। रानी कहने लगी अरे तुझे कुछ समझ में आ रहा क्या कह रही है? कह रहे हो रानी साहेबा मानना है मानिए ना मानना है मत मानो, लेकिन याद रखिएगा जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बन के आएगी आपको जब महल से निकलना होगा तब मुझे कुछ मत कहिए। जब इतना सुन ली वो कहने लगी बताओ करना क्या होगा। अफसोस में पड़ गई, सोच में पड़ गई, बहुत ज्यादा गमगीन हो गई। उस नौकर ने कहा रानी साहेबा बात ये गए मैं अगर चाहूं तो इस मामले को ठीक कर सकता हूं। शोएब भाई किधर जा रहे हो? बस बस खत्म, आपको पढ़ना है अभी, खत्म होने वाला है बस। अभी मत जाइयो कहीं, बैठिए बैठिए, वरना तो मुझे लंबा खींचना पड़ जाएगा। बैठिए बस बस 10 मिनट बैठिए। हाँ हाँ जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। पैसे मत दो, ये पैसे शोएब भाई को देना। अल्लाह का शुक्र है मैं साहिब-ए-निसाब हूँ। हाँ 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 शोएब भाई को दो, ये अभी पढ़ भी रहे हैं, पढ़ के नाम रोशन करेंगे, अल्लाह सलामत रखे। क्यों? दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, हमको इनको सबको नबी का सारा घराना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। और हूरों ने देख कर ये कहा था बिलाल से हमको 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 भी मुस्तफा का दीवाना पसंद है, हमको भी मुस्तफा का दीवाना पसंद है। जरा सुनना, कहने लगा रानी साहेबा मैं एक तावीज जानता हूं, अगर वो तावीज मैं लिख दूं क्या खत्म कर दूं क्या? इंतकाल हो जाए तो फिर मजार भी यही बनवा दीजिए। हाँ नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह वो इज्जत देगा। जब तक जिंदा रहिएगा लोग पीछे भागेंगे, मर जाइएगा लोग चादर लेके मजार की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन सिर्फ मजार मजार नहीं, नमाज की पाबंदी, नमाज छोड़कर कुछ नहीं, कोई अमल कबूल नहीं, नमाज पढ़िए। अब सरा सुनिएगा, कहने लगा और रानी साहिबा मैं एक तावीज जानता हूं। अच्छा ये तावीज का मामला बड़ा खराब है हजरत आजकल अपने माहौल में, लोग तावीज भी दे देते हैं, कहते हैं जाओ जाओ बरकत हो जाए, ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ो तब तावीज काम करो। अगर मौलाना चाह लेना हजरत ये कहे कि तावीज लो, ये तावीज उसी वक्त काम करे जब तुम नमाज पढ़ोगे। हाँ मैं गारंटी से कहता हूँ वो शख्स नमाज पढ़ने लगेगा। हाँ अब जब इतना सुना कहने लगा कि रानी साहिबा मैं एक तावीज जानता हूँ। कहा क्या करना होगा? कहा कि करना कुछ नहीं है, आप अपने शौहर बादशाह के गर्दन से काट कर दो चार बाल लाइए और वो बाल को मैं कागज में रख के तावीज बनाऊंगा, वो तावीज गले में आप डालेंगी, आप बादशाह सलामत का दिल दूसरी तरफ से हट जाएगा, आपकी मोहब्बत में फिर से वो पागल हो जाएंगे। जब इतना सुनी ने कहा ठीक है कोई बात, का ये काम करूं कैसे? कहने लगा गुलाम ऐसा कीजिए रात में जाइएगा धीरे से काट लीजिएगा, आपके शौहर है क्या बड़ी बात है। जब इतना सुन ली प्लानिंग बना ली, फिर ये चला गया नौकर गुलाम चला गया बादशाह के पास और कहने लगा बादशाह सलामत खबर लाया हूँ। कहा क्या खबर लाए हो? कहा के खबर ये है आपकी जो बीवी रानी साहिबा गए उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। अब गुस्सा होगी, जलाल में आ गया बादशाह। कहा के नालायक तू जान रहा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है समझ रहा है? कहा के बादशाह मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन एक बात जरूर मानिए। कहा क्या मानो? कहा आज रात को जगे रहिएगा, आज रात को बेदार रहिएगा, आज आपका मर्डर करने आएगी आपकी बीवी। अब जरा आप रात के 12 बजे ये मटियाए हुआ था, सोया नहीं बादशाह, मटियाना समझते हैं आप लोग, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, अंठियाए हुआ था, मछियाया हुआ था। हाँ हम लोग बोलते हैं मटियाया हुआ था। हाँ वो जब मछियाया कोई रहे ना, हकीकत में अगर कोई सोएगा
एक बूंद पानी का डालिएगा वो धड़फड़ा के उठेगा, और अगर मचियाए हुआ रहेगा ना चार पांच बाल्टीन डाल दीजिए पानी वो नहीं उठेगा। हाँ, इसलिए कि सोए हुए को जगाना आसान है लेकिन जो मचियाए रहेगा उसको बेदार करना आसान नहीं है। हाँ, अब वो बादशाह वही मचियाया हुआ था, देख रहा था धीरे धीरे अंधेरा है, देखे कौन आता है, देखा कि जब रात के 12 बज गए उसकी बीवी कुछ छुपा कर अपने आंचल में ला रही है। बादशाह समझ गया अच्छा मेरे गुलाम ने सही बोला था। अब वो बीवी आई बगल में बैठ गई, जैसे ही बगल से वही क्या बोले थे अस्तुरा। अब वो अस्तुरा जब निकाली जैसे ही बादशाह ने आंख खोल अच्छा ये करने आई है, उठ के बादशाह बैठ गया, अपनी बीवी के हाथ से वो छीना अस्तुरा और उठा के जमीन पे पटक दिया, अपनी बीवी का गला काट दिया। मैं कहना चाहूंगा ओ तोरनिया वाले ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वाले, बीवी का कत्ल करवा, बीवी की कत्ल करवाया, बीवी का मर्डर करवा दिया, एक शौहर के हाथ से दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, एक मोहब्बत का गला काट दिया। बादशाह ने किस वजह से, सिर्फ एक झूठ की वजह से। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को झूठ सिखाते हो, बच्चियों को झूठ सिखाते हो। ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा झूठ बोलता है, अगर तेरी बेटी झूठ बोलती है, फौरन ताकीद करो अगर तुमने नहीं समझाया, बड़ा होकर तेरा बच्चा परहेजगार ना बनेगा बल्कि तेरा बच्चा गुनाहगार बन जाएगा, ताश के पत्ते खेलेगा, वो बच्चा जुआरी बन जाएगा, वो बच्चा नशेड़ी बन जाएगा। झूठ मत बोलने दो, झूठ मत बोलने दो, खुद भी सच बोलो, बच्चों को भी सच बोलने की ताकीद करो। आप भी सच्चे होंगे, बच्चे भी सच्चे होंगे, बीवी भी सच्ची होगी, शौहर भी सच्चा होगा, माँ भी सच्ची होगी, बाप भी सच्चा होगा। कम कमाओगे नमक रोटी ही खाओगे, उसी खाने में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस वजह से गौसे आजम ने फरमाया पहला काम, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो तो सुनो सुनो लोगों, ये काम करो, नमाज की पाबंदी नंबर एक, नंबर दो ये करो माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो, नंबर तीन कहा झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाएगा। कहा चौथी चीज हराम मत खाओ, हराम का एक दाना अगर मुंह के अंदर डालोगे अल्लाह तुझसे दोस्ती नहीं फरमाएगा, जब भी खाओ हलाल खाना खाओ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज अगर किसी के खेत में मूंगफली लग जाए, इधर क्या खेतियां होती है, इधर कौन सी खेतियां होती है, इधर गेहूं चावल और गन्ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो गाय और बकरियों के लिए, वो बकरों के लिए घास काटने किसी के बच्चे गए, दो चार गन्ने के को पकड़ कर मड़ोर के उस बोरी में भर लिया और घास ऊपर से ताप दिया और घर लाया। अब उसकी बूढ़ी दादी भी जिसके दांत नहीं गए वो भी कूट कूट के गन्ने का रस ले रही है, वो उसकी माँ भी खा रही है, वो बाप भी खा रहा है। मैं कहना चाहूंगा अभी पुणे की सरजमीन पे कुछ दिनों पहले एक शख्स को जब सजा सुनाई गई, कहा कि ये गुनाहगार है इसे सजा दो, उम्र कैद की सजा दी जाए। उसने कहा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी माँ को बुलाया जाए। इस्लामी हुकूमत में सऊदीया में भी एक वाकिया पेश आया, हुकूमत ने सजा सुना दिया। कहा हुकूमत ने के सुनो इस शख्स के हाथ काट दो क्योंकि इसने चोरी किया है। इस्लाम मजहब में अगर कोई 10 दिरहम से ज्यादा चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए, ताकि एक का हाथ कटेगा सैकड़ों लोग सुधर जाएंगे, हजारों लोग सुधर जाएंगे। अगर कोई तवारा जिना करे 100 कोड़ा मारा जाए, अगर कोई शादीशुदा जिना करे बदकारी करे उसे बीच चौराहे पे जमीन में गाड़ के इतने पत्थर मारे जाए वो
वहीं पे मर जाए, क्योंकि एक का हश्र जब कोई देखेगा हजारों लोग सुधर जाएंगे। कोई जिना के करीब नहीं जाएगा, कोई चोरी के करीब नहीं जाएगा। इस्लाम ऐसा मजहब है, अगर इस्लाम का कानून अगर पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए, ना तो किसी कामिनी की इज्जत लूटेगी, ना तो किसी निर्भया की इज्जत लूटेगी, ना तो किसी आसिफा की इज्जत लूटेगी। इज्जत बचाने वाला मिलेगा, इज्जत लूटने वाला कोई लुटेरा नहीं मिलेगा। इस्लाम ने कानून बनाया, सुनिएगा, जब इस्लामी मुल्क में कहा गया ना इसके हाथ काट दो, चोरी किया, ताकि तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है, ताकि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बुलाया गया माँ को, माँ खड़ी हो गई, बेटे ने कहा जज साहब मेरी माँ को। वो बेटा आगे बढ़ा, कहने लगा जज साहब मेरे हाथ बाद में काटे जाए, पहले मेरी माँ की जबान को काटी जाए। जज हैरान हो गया, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? अरे वो तेरी माँ है, जुर्म तू कर रहा है, माँ की जबान क्यों काटी जाएगी? वो मुजरिम कहने लगा जज साहब, हाकिम साहब वजह ये है, मेरी चोरी करने की आदत कब से लगी, मैं स्कूल जाता था, बच्चों की कापियां चोरी करके लाता था, कलम और पेंसिल लाता था, रबर और कटर लाता था, मैं खेत में जाता था गन्ने चुरा कर लाता था, मैं न जाने कौन मूंगफली चुरा कर लाता था, मैं दुकान जाता था तो चार चॉकलेट लाता था, अंडे चुरा कर लाता था। मेरी माँ अगर उसी वक्त हिदायत दी होती, उसी वक्त अच्छी तरबियत की होती, अगर मेरी माँ पूछी होती मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया, तूने कलम कहाँ से लाया, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया, तुमने गन्ने कहाँ से लाया, हमने तो खेती नहीं की गन्ने की, फिर तू गन्ने कहाँ से लाया? जज साहब अगर मेरी माँ अगर उसी दिन मुझे दो चार हाथ लगाई होती तो मैं चोर ना बनता, मैं डाकू ना बनता, और ये सजा आज मुझको ना मिलती। इसलिए जज साहब मैं अगर मुजरिम हूँ, मुझसे बड़ी मुजरिमा मेरी माँ है, मेरा हाथ बाद में काटा जाए, मेरी माँ की जबान जो खामोश रही गलत चीजों को देखकर, हमारी चोरी को देखकर, मेरे हाथ काटने से पहले मेरी माँ की जबान को काटी जाए। अल्लाह अल्लाह, ये हालत अपनी कौम की है। मैं कहना चाहूंगा ओ साहिब, हराम मत खाओ, हराम का एक दाना मुंह में मत डालो, बल्कि हिस्से लो, बढ़ चढ़ कर हिस्से लो नेक कामों में। पांचवी चीज कहा गया, गौसे आजम ने फरमाया कि चौथी चीज हराम मत खाओ, जब भी खाओ हलाल खाओ। पांचवी चीज गौसे आजम ने फरमाया, किसी के ऐब को मत उछलाओ, अगर किसी को बुराई करते देख लो उसे अचानक जाकर तुम अकेले में समझा दो। लेकिन हमारी कौम की हालत ये है, किसी को चोरी करते देखा मजबूरी में बेचारा चोरी कर रहा है, अब उसके लिए चोरवा चोरवा कह के पूरे समाज में इस तरीके से उसे बदनाम किया जाता है। वो कहता है जब हम मशहूर ही हो गए तो अब हम काम कौन सा करेंगे, ऐप पे पर्दा डालने वाला बन जाओ, खुद नहीं देखे हो खुद में कितना बड़ा मुजरिम हो। अगर इंसान के जुर्म पे अल्लाह अगर पर्दा डालना छोड़ दे, बेटा बेटा बाप की तरफ देखना नहीं चाहेगा, मैं क्या गुनाह करता हूँ, अगर मेरी बीवी को पता चल जाए, मेरी बीवी मुझसे बात तक ना करे, मैं क्या गुनाह करता हूँ, अगर बेटा को पता चल जाए बेटा सलाम तक ना करे। इसलिए लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते थे जो दुनिया में किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐब पे पर्दा डालेगा। अगर किसी को बुराई करते देखो रोको माँ बाप के बेटो। मुझे एक फरमाइश की गई, यहाँ कमेटी के कितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, जरा हाथों को उठाएं कमेटी वाले, माशाल्लाह, ये पगड़ी वाले जितने हैं सब कमेटी और भी है ना, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबों को। ये जितने लोग हैं बड़े खुश नसीब हो, जलसा करवाते हो मोइनुद्दीन का एक कादरी का एक पैगाम लेकर जाओ, जलसे के पीछे एक मकसद रखिए, मकसद क्या हो, हम
जलसा करवाएंगे, कुछ पैसे बचेंगे, दो चार गरीब बच्चियों के हाथ पीले करके हम शादी करवाएंगे। जलसे के पीछे मकसद ये हो, पैसे बचाएंगे, मदरसा नहीं है तो मदरसा बनवाएंगे, पैसे नहीं गए जलसा करवाएंगे, चंदा करेंगे, मस्जिद में हम खर्च करेंगे। कब्रिस्तान के लिए आपने जमीन लिया है, उसमें कुछ काम बाकी है, बड़ी खुशी की बात है, जलसा करवाओ, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, वरना खूब 2 लाख 5 लाख खर्च कर लिया, या गौस या गौस या गौस कर लिया, सुबह नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसके बाद कोई काम भी नहीं हुआ, 5 लाख